मैट्रिक पास कर चुके हैं, क्लास 11 मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट्स को देखें और संपूर्ण तैयारी करें। अगर वीडियो को सेकंड भर के लिए भी छोड़ा तो समझो गया, वीडियो को सेकंड भर भी नहीं छोड़ना है और पूरी तैयारी का लाभ लेना है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक पर टच कीजिए और 11th के सभी वीडियो को देखिए और संपूर्ण तैयारी कीजिए। जो भी छात्र मैट्रिक पास कर चुके हैं, 11th की क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो अनिवार्य ही है, कम से कम 10 ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए, सेट थ्योरी के आज के भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। इनका हिंदी होता है, देखिए कंपेरेबिलिटी इनका हिंदी होता है तुल्यनिता। अब देखिए सेट्स मतलब क्या होता है, समुच्चय। सेट मतलब समुच होता है, सेट्स है तो समुच्चयों, तो समुच्चयों की तुल्यनिता। अब इसमें देखिए, इसमें भी होता है दो, एक होता है तुलनीय समुच, एक होता है अतुलनीय समुच। तुलनीय समुच क्या है उसके बाद अतुलनीय समुच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला तुलनीय समुच, तुलनीय समुच, तो तुलनीय समुच में इनका इंग्लिश होता है कंपेरेबल सेट, तुलनीय समूह। अब देखिए, तुलना से बना है तुलनीय, तुलना से क्या बना है तुलनीय। अब देखिए, तुलना कब होता है, जब उसका गुण मिले तब क्या होता है, तुलना होता है। जैसे मान के चलिए कि दो व्यक्ति को देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि दोनों का मुंह एक जैसा है। तो देखिए, क्योंकि मुंह जो है कि एक जैसा है। जैसे मान के चलिए कि पुत्र का जो है रूप पिता पर गया है, तो हम क्या कहते हैं कि देखिए ये पिता पर गया है या माँ पर गया है, क्यों कहते हैं, ये तुलना हो जाता है। इसी प्रकार से तुलना होगा, जैसे दो सेट लेंगे उनका तुलना किस प्रकार से होगा, तो इस परिभाषा में आप समझ जाएंगे। मान के चलिए कि इनका परिभाषा क्या होगा, यदि ए और बी, बी तुलनीय समूह कहलाएगा, तुलनीय समूह। आप लोग अपने कॉपी पर परिभाषा को लिखते चलिए, कहलाता है यदि ए सबसेट बी या बी सबसेट ए या ए बराबर बी हो। तो देखिए, ए और बी क्या कहलाता है, तुलनीय समूह कहलाता है। ए और बी तुलनीय समूह कहलाता है, कंपेरेबल सेट कहलाता है। यदि ए सबसेट बी हो या बी सबसेट ए हो या ए बराबर बी हो, ऐसा हो तो तुलनीय समूह कहलाता है। दूसरा हो जाता है अतुलनीय समूह, अब देखिए अतुलनीय कब होगा, जब गुण नहीं मिलेगा तब क्या होगा, अतुलनीय समूह होगा। देखिए, तुलनीय समूह क्या होता है, जब ए सबसेट बी हो, बी सबसेट ए हो या ए बराबर बी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुलनीय समूह कहते हैं। अतुलनीय समूह किसे कहते हैं, यदि अब देखिए ए और बी अतुलनीय समूह कहलाता है, ए और बी अतुलनीय समूह कहलाता है, तो यहाँ पर अ लगा देना है। अतुलनीय समूह कहलाता है यदि ए डज नॉट सबसेट क्या हो गया बी, अब बी डज नॉट सबसेट क्या हो गया ए, या ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया बी, इस प्रकार से हो, तो ये जो समूह है ये क्या कहलाते हैं, अतुलनीय समूह कहलाते हैं। ये समूह अतुलनीय समूह कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि ना तो ए का जो है कि एलिमेंट बी में होगा, ना ही बी का एलिमेंट ए में होगा, ना ही ए बराबर बी होगा, यानी कोई गुण मिलेगा ही नहीं, तो तुलना होगा नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अतुलनीय समूह कहलाएगा। चलिए, इसी में अब हम चलते हैं कि पावर सेट किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं।
पावर पावर यानी घात, घात समुच किसे कहते हैं, इनके परिभाषा को हम जानते हैं। देखिए इसमें जो परिभाषा है पावर सेट यानी घात समुच, घात समुच, घात समुच किसे कहते हैं, पावर का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पावर मतलब क्या होता है, घात, घात समुच। अब यहाँ पर देखिए इनका परिभाषा क्या है कि ए के सबसेट के सेट को पावर सेट कहते हैं, ए के सबसेट्स यानी ए के उप समुचियों के समुच को, ए के उप समुचियों के समुच को हम क्या कहते हैं, घात समुच कहते हैं। आप अपने कॉपी पर लिखिए कि ए के सबसेट मतलब हो गया उप समुचियों के सेट यानी समुच को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाय, मतलब यह जो है सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, पी ए से सूचित किया जाता है, पी ए, पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए, ए का घात समुच। अगर मान के चलिए कि सेट रहेगा बी, सेट रहेगा बी और बी का हम घात समुच कहेंगे तो उसको हम पी बी से सूचित करेंगे। अगर सेट यहाँ पर जैसे हम लिए क्या ए लिया, अगर सेट हम बी लेते इनका घात समुच क्या होता है, इनके घात समुच को हम पी बी से हम सूचित करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल से समझिए कि ये घात समुच क्या होता है। जैसे परिभाषा तो आपने जान लिया, परिभाषा क्या है कि ए के सबसेट के सेट को हम पावर सेट कहते हैं घात समुच। एग्जाम्पल को देखिए पूरी तरह से समझ जाइएगा। जैसे मान के चलिए कि ए कोई सेट है, ये कोई सेट है एक दो, यानी पहले हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट ले लिए। अब इनका घात समुच, इनका हम घात समुच लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो देखिए ए का सबसेट क्या सब होगा, ए का सबसेट क्या सब होगा, तो इसमें देख सकते हैं कि सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट क्या सब होगा। अब देखिए फाय, फाय जो है सभी सेट का सबसेट होता है, सबसेट अभी तक आपने उस परिभाषा को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। हम गुण में लिखाए थे, उनके प्रॉपर्टीज में हम लिखाए थे कि फाय जो है सभी सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए फाय क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा। फिर देखिए इसमें एलिमेंट क्या है, एक है तो एक को ऐसे मंझोली कोष्टक के अंदर में रख दीजिए, फिर कोमा दीजिए, फिर एक के बाद क्या है, ये दो है, ये दो है, तो इनको ऐसे कोमा में लिख दीजिए, कोमा में लिख दिए। लिखने के पश्चात आप देखिए दोनों एलिमेंट को, अब जो यहाँ पर रहेगा सेट उनको भी यहाँ पर आपको लिख देना है, एक दो ऐसे लिख दिए, लिख दिए। तो यही जो हुआ ए का सभी संभव सबसेट हुआ, यानी फाइव क्या होगा, ए का सबसेट होगा। अब वन देखिए, वन इसमें है कि नहीं है, इसलिए ये जो है वन, ये जो है ए का सबसेट है। अब दो देखिए इसमें है कि नहीं है, इसलिए ये जो है ए का सबसेट है। एक दो तो देखिए एक दो ए में है कि नहीं है, इसलिए ये जो सेट है ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इनका जो है कि पावर सेट, पावर सेट को हम कैसे लिखते हैं, पी ए के द्वारा लिखते हैं, पी ए के द्वारा लिखते हैं। अब इन सभी को क्या करेंगे, आप कोष्ट मंझोली कोष्ट के अंदर में रख देंगे, फाइव वन तो यही ए का क्या हो गया, पावर सेट हो गया, ए का घात समुच हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या था, पहला था, ये एग्जाम्पल पहला था। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इनका क्या होगा, जैसे एक सेट कोई बी है, एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है एक दो तीन, एक दो तीन, इनका पावर सेट लिखना है, इनका क्या करना है, पावर सेट लिखना है बी का। तो देखिए यहाँ पर पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, बी का पावर सेट, बी का घात समुच। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आंख मूंद के पहले तो फाइल लिख ही दीजिए, आंख मूंद के फाइल लिख देना है, तो यहाँ पर आप फाइल लिख दिए, लिखने के पश्चात कोमा दीजिए। अब एक है तो एक को मंझोली कोष्ट के अंदर में रख देना है, फिर ये दो है तो इस दो को क्या करना है, मंझोली कोष्ट के अंदर में रख देना है, फिर तीन है तो तीन को मंझोली कोष्ट के अंदर में रख देना है, रख दिए। अब देखिए इसमें और चीज, एक और दो को भी रखना होगा, मतलब कितने प्रकार से आप रख सकते हैं, समझिए कि हम खेल खेल रहे हैं, इनको हम कितने तरीके से रख सकते हैं, सभी संभव तरीके। देखिए इनका जो है कि पावर सेट निकालने का
एक और तरीका है। देखिए क्या होगा कि इसमें कितने अवयव है, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी दो पर पावर क्या हो गया, दो पर पावर ही होगा, दो पावर तीन यानी आठ हो गया। देखिए एक दो तीन यानी सूत्र होता है टू पर पावर एन, नंबर ऑफ सबसेट अगर किसी भी संख्या का निकालना हो तो टू पावर एन होता है, तो यानी आठ, आठ को सबसेट होगा तो एक दो तीन चार, चार ही हुआ है यानी चार को और सबसेट होगा तो वह कौन सब होगा, तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एक और दो को हम साथ लिख सकते हैं पुनः, एक दो हो गया, होने के पश्चात अब देखिए दो और तीन को हम साथ रख सकते हैं, दो तीन हो गया, अब देखिए एक और तीन को भी तो साथ रख सकते हैं, एक तीन, अब देखिए और किसी को साथ रख सकते हैं, एक दो भी ले लिए, दो तीन भी ले लिए, एक तीन भी ले लिए, अब ऐसा नहीं सोचना कि दो एक भी तो ले सकते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि एक दो और दो एक सेट में एक ही चीज होता है, एक दो ले चुके हैं इससे दो एक हम नहीं ले सकते हैं, अब क्या बचा तो अब पूरी पूरी सेट को ही ले लीजिए, एक दो तीन, यही भी का क्या हो गया पावर सेट हो गया, यही भी का पावर सेट हो गया, देखिए इसमें आठ एलिमेंट होगा, आठ सबसेट होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये हो गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग और पूरी तरह से पावर सेट को समझ जाइएगा, जैसे ये कोई सेट है इसमें एलिमेंट ये भी है, ये भी है, इनका पावर सेट लिखना है, इनका पावर सेट लिखना है, तो देखिए उसमें कितने सेट होंगे सेट, अब देखिए तो ए का पहले सबसे पहले क्या कि आपको सबसेट निकाल लेना है, हालांकि वहां पर सेट तो होता है लेकिन एलिमेंट के रूप में होता है, उसको एलिमेंट कहिए या सबसेट कहिए या मान के चलिए कि ए का सबसेट हो गया, अब उनका जो है प्रत्येक अवयव भी क्या है एक सेट है यानी समुच्चयों का समूह, तो यहाँ पर देखिए ए का जो है पावर सेट हमको निकालना है, ए का पावर सेट, तो यहाँ पर हमको पी ए लिख देना है, पी ए लिख दिए, लिखने के पश्चात देखिए फाइ लिख देना है क्योंकि फाइ जो है सभी का सबसेट होता है, फाइ हो गया, फिर देखिए ई ए है ना, तो यहाँ पर ए लिख देना है, लिख दिए, अभी बी है ना, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए, लिख दिए, अब देखिए एक चीज एक है कितने सबसेट होंगे, एक है कितने सबसेट होंगे, तो दो लिख दीजिए, एक दो, दो एलिमेंट है तो दो पावर दो यानी चार, एक है चार सबसेट होंगे, एक दो तीन, तीन सबसेट तो हम लिख चुके हैं, एक सबसेट बाकी रह गया है तो ए भी, तो देखिए यही ए का क्या हो गया पावर सेट हो गया। अब चलिए चौथा एग्जाम्पल भी एक और ले लेते हैं, जैसे मान चलिए सेट ए है इसमें एलिमेंट है एक छो, ऐसे इनका देखिए एक बनाने के अनेक तरीके हैं, मैथमेटिक्स है, आप कितने तरीकों से बना सकते हैं, यहाँ पर हम भिन्न भिन्न तरीका ले रहे हैं, तो देखिए इससे घबराइए नहीं, जैसे एक का पहले सबसेट निकालना होगा, एक का पावर सेट निकालने के लिए पहले सबसेट निकालना होता है, तो सब सेट्स ऑफ ए, तो देखिए नहीं कुछ है तो फाइव तो सभी सेट का सबसेट होता है, फाइव हो गया, फिर एक है ना तो एक को मंझली कोष्ठ में रख देना है, फिर छो है ना तो छो को मंझली कोष्ठ में रख देना है, रख दिए, अब देखिए जब सारा एकदम क्रिया हो जाए तब पूरी सेट को भी एक बार रख देना है, तो एक छो है ना तो एक छो को भी आपको रखना हो जाएगा, रख दिए, रखने के पश्चात अब इनका पावर सेट, तो पावर सेट के लिए हम पी ए करते हैं, तो इसके अंदर में देखिए फाइव रखेंगे, वन रखेंगे, फिर ये सिक्स है, सिक्स रखिए, फिर वन सिक्स है तो वन सिक्स रखिए, ये हो गया, यही ए का क्या हो गया पावर सेट हो गया, ए का घात समूह। ऐसा आपको जानना है कि यूनिवर्सल सेट ये काफी इम्पोर्टेंट सेट है, यूनिवर्सल सेट
इनका बहुतों प्रयोग होता है यूनिवर्सल का। तो देखिए यूनिवर्सल, यूनिवर्स देखिए, यूनिवर्स मतलब क्या हो गया, ब्रह्मांड। अब यूनिवर्स में क्या है, कितने चीज समाया है, ग्रह उपग्रह सभी चीज क्या है, समाये हुए है, अपने में समेटे हुए है। तो उसी प्रकार से अब आ गया यहाँ पर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समूह या सार्वत्रिक समूह। इनका हिंदी नाम क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट हिंदी होता है सार्वत्रिक या समष्टीय, सार्वत्रिक या समष्टीय समूह, ये इनका हिंदी होता है। अब देखिए इनका हम अब परिभाषा जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हम लेंगे, आप लोग पूरी तरह से समझ जाइएगा। देखिए किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष, देखो क्या होता है कि किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष संदर्भ में दिए गए सभी सेटों का, दिए गए सभी सेट्स का, दिए गए सभी सेट्स का सुपर सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मतलब जितने भी सेट दिए रहेंगे, पांच सेट दिए रहे कि दस सेट दिए रहे, उनका जो सुपर सेट होगा वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी दिए गए सभी सेटों के, दिए गए सभी सेटों के सुपर सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दिए गए सभी सेट, दिए गए सभी सेट्स के सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कोनो एक बार आप लोग रिपीट कीजिए, दिए गए सभी सेट्स के सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। तो एग्जांपल फर्स्ट में देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में इसमें क्या होगा, जैसे एक सेट कोई ये है। अच्छा, इसको हम सूचित किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिए, इसे सूचित किया जाता है, इसे सूचित, तो एस से करते हैं, यू से करते हैं, उसके बाद जो है कि ओमेगा इटीसी दे दीजिए। इस सबसे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को सूचित करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये कोई सेट है, इसमें एक दो तीन एलिमेंट है। बी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है चार पांच छह एलिमेंट है। और सी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है माइनस तीन चार एलिमेंट है। अब इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो देखिए इनका यूनिवर्सल सेट को हम एस से सूचित करते हैं या यू से करते हैं। तो देखिए एक दो तीन है, तो एक दो तीन इसमें तो लिख ही दीजिए, फिर क्या है चार पांच छ, तो चार पांच छ लिख दिए। फिर आप देखिए माइनस तीन चार भी है, तो माइनस तीन, और चार यहाँ पर हम लिख ही चुके हैं, तो अब नहीं लिखना है। तो देखिए जितने भी सेट हैं सभी का एलिमेंट इसमें एस में है कि नहीं, देखिए एक दो तीन से एक दो तीन मिल गया, चार पांच छ तो चार पांच छ मिल गया, माइनस तीन चार है तो माइनस तीन और चार भी मिल गया। यानी किसी विशेष संदर्भ में दिए गए सभी सेटों के सुपर सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो देखिए सभी सेट्स के ये सुपर सेट हो गया। सुपर मतलब क्या, सुपर जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सुपर पावर, तमाम तरह के बातों को आप सुनते आए, तो यहाँ पर भी वही है। सुपर मतलब क्या, कुछ विशेष, उसमें विशेष गुण होगा तब ना, सभी को समाने का गुण होगा तभी ना सुपर होगा, वही चीज है। यानी सुपर
यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या हो गया कि जितने भी सेट दिए रहेंगे उन सभी को अपने में समेट लेगा, उन सभी सेट का अवयव यूनिवर्सल सेट में होगा। जैसे यहाँ पर ए का सभी अवयव है, बी का भी है, सी का भी है, और इससे अधिक और भी रहता, डी भी रहता, ई भी रहता, एफ भी रहता, तो सभी का एलिमेंट इसमें एस में होता। तो चलिए ये भी यूनिवर्सल सेट भी हो गया। अब हम अगले परिभाषा को हम जानते हैं, सेट में हम अगले परिभाषा को जानते हैं। आप लोग क्लास 11 के लिए निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। हम जानते हैं वेन आर ए के बारे में, वेन आर ए, वेन आर ए डायग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट वेन डायग्राम को नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से समझाएंगे कि सभी स्टूडेंट वेन आरेख को समझेंगे और सभी छात्रों के लिए जानना बेहद जरूरी है वेन आरेख क्या है। देखिए वेन आरेख क्या है, यानी इसका नाम कैसे पड़ा, तमाम बातों की हम यहाँ पर जानकारी पाएंगे। अब चलते हैं, हम जानते हैं वेन आरेख को, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख क्या है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट वेन आरेख को नहीं समझ पाते हैं वेन आरेख। अब यहाँ पर हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि वेन आरेख क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि वेन आरेख नाम कैसे पड़ा। तो देखिए एक स्विस गणितज्ञ थे यूलर, उन्होंने क्या किया, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि हम सेट को दर्शाते हैं तो क्या करते हैं कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर में इसके एलिमेंट को रख देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस सेट को जो है ना वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया, यानी बंद वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया। अब चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आरेख हो गया, और इसलिए ये वेन आरेख कहलाया। अब देखिए वेन नाम कैसे पड़ा, तो अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, अब उन्हीं के सम्मान में वेन यानी वेन आरेख पड़ा, उन्होंने इस पर बहुत काम किया, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्या दिया गया, वेन आरे, वेन आरे यानी जॉन वेन, जॉन वेन जो थे उनका वेन लिया गया और चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, वेन आरे इनका नाम पड़ा। और सबसे पहले जो है इस पर जो शोध किया था, काम किया था, कौन किया था, तो स्विस गणितज्ञ यूलर किए थे, ठीक है, और अंग्रेज तर्कशास्त्री के नाम पर क्या पड़ा, तो वेन आरे। अब चलिए इनके परिभाषा को हम जानते हैं, परिभाषा में कुछ भी नहीं है। देखिए वेन आरे, वेन डायग्राम, आप अपने कॉपी को खोलिए और कॉपी पर लिखते चलिए कि वेन आरे क्या है। तो देखिए इस डायग्राम में यानी इस आरेख में यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट एस को, अब देखिए यूनिवर्सल सेट का नाम हम एस या यू से हम सूचित करते हैं, को एक आयत के द्वारा, को एक आयत के द्वारा इसके सबसेट्स, इसके जो सबसेट्स होते हैं को वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहें कि वृत्त के द्वारा, वृत्त आप लोग जानते ही है वृत्त क्या होता है। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि वृत्त के द्वारा ही प्रदर्शित हो, किसी भी बंद वक्र के द्वारा हम जो है हम प्रदर्शित इसको हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्त मैक्सिमम वृत्त का ही प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पर वृत्त लिए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है, वृत्त का प्रयोग, इसलिए हम वृत्त यहाँ पर लिए हैं। प्रदर्शित किया जाता है जो वेन डायग्राम कहलाता है, जो क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। अब देखिए ये काफी इजी है, यानी आप लोग सेट और यूनिवर्सल सेट को समझ चुके हैं। तो देखिए वेन डायग्राम यही चीज है, इन्हीं दोनों को मिला के बनाए। अब कैसे, इनको जो है चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित करें। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, परिभाषा क्या है, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में
यूनिवर्सल सेट एस को, यूनिवर्सल सेट एस को हम आयत के द्वारा, यूनिवर्सल सेट एस को हम क्या करते हैं, आयत के द्वारा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये फिगर किसका है, आयत का। इसका नाम हम क्या देते हैं, एस दे दिए। इसके सबसेट को, इसके सबसेट को हम क्या करते हैं, वृत्त के द्वारा, यानी यहाँ पर हम वृत्त बना लेते हैं। अब देखिए ये नाम रख दिए, इनका हम बी रख दिए। अब इसमें एलिमेंट भी होगा, जैसे मान के लिए कि एस हो, डी हो, यू ही हो, इसमें बी ही हो, सी ही हो, ऐसे डी ले चुके हैं, ई, एफ, तो यही किया है वेन डायग्राम है, यही किया है वेन डायग्राम है। मान के चलिए कि दो सेट है, अगर मान के चलिए कि तीन सेट देगा, तीन, तो देखिए यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट दिए रहते हैं सभी न समाता है, जितने भी सेट दिए रहेंगे सभी समाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट आपका एस हो गया। अब देखिए एक सेट ये ए हो गया, एक सेट हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ऐसे कोई सेट सी ले लेते हैं। तो देखिए यही क्या है, वेन आरेख है। इसका अर्थ हो गया, देखिए ए बी सी तीन सेट हैं, तो देखिए तीन सेट हैं तो तीनों सेट का एलिमेंट किसके अंदर में होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर में होगा। यानी अभी क्या हम यूनिवर्सल सेट का परिभाषा लिखाएं, कि किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष संदर्भ में सभी सेट्स के सुपर सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी जितने भी सेट दिए रहेंगे सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर में समा जाएगा। तो यहाँ पर समा गया है, तो यही क्या है, वेन आरेख है। अब देखिए हम ऐसा फिगर बनाते, आप लोग भी ऐसा नहीं, आप लोग इनको निकाल भी सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको ये ध्यान रखना है यूनिवर्सल सेट को हम एस के द्वारा सूचित करते हैं, और इनके सबसेट, इनके सबसेट को हम वृत्त के द्वारा, जैसे ये हो गया, यही क्या हो गया आपका वेन डायग्राम हो गया। और लेना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सल सेट को एस के द्वारा इनके वृत्त को हम क्या करते हैं, इनके सबसेट को हम क्या करते हैं, वृत्त के द्वारा सूचित कर दिए, या किसी बंद वक्र के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और बंद वक्र ऐसे नहीं भी एकदम वृत्त बना रहे, देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये वेन डायग्राम क्या है, वेन आरेख क्या है। ये एस यूनिवर्सल सेट है, और ये पूरा फिगर क्या कहलाएगा, वेन आरेख कहलाएगा, वेन आरेख। ये सभी क्या हो गया, वेन आरेख हो गया।